का वो काला पेज है जिसमें रिच और फेमस लोगों के बारे में छपता है। मेरा नाम मणियासुर है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने कुछ दिन पहले ही अपनी अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे का रिलीज डेट ऐलान किया है। जी हाँ, और उन्होंने ये बताया है कि बच्चन पांडे 18 मार्च 2022 के दिन रिलीज होने वाली है। वैसे आपको बता दें कि होली पर रिलीज होने वाली इस फिल्म से केवल फैंस को ही नहीं बल्कि ट्रेन एनालिस्ट को भी काफी सारी उम्मीदें हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जब से फैंस ने इसके रिलीज डेट के बारे में सुना है तब से वो इसके ट्रेलर का बेहद इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में इसके ट्रेलर की रिलीज डेट लीक हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि बच्चन पांडे की ट्रेलर 9 फरवरी 2022 के दिन लोगों के सामने आने वाली है। वैसे आपको ये भी बता दें कि मेकर्स ने अक्षय कुमार के फैंस के लिए 9 फरवरी 2022 के दिन एक सरप्राइज प्लान किया था। जी हाँ, और मेकर्स ये चाहते हैं कि जब ये फिल्म रिलीज हो उसके एक महीने पहले इसकी ट्रेलर रिलीज हो। इसी बच्चन पांडे का ट्रेलर एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा का मिक्सचर होने वाला है। आपको बता दें इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा जैकलीन फर्नांडिस, कृति सैनन, पंकज त्रिपाठी, प्रतीक बब्बर और अभिमन्यु सिंह जैसे कई कलाकार हमें मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि फिल्म का निर्देशन फहद सामची ने किया है और इसका निर्माण कर रहे हैं और कोई नहीं बल्कि साजिद नाडियावाला। आते चले कि 18 मार्च 2022 के दिन रणवीर कपूर की शमशेरा भी रिलीज होने वाली है। वैसे आपको बता दें कि यशराज बैनर की इस फिल्म में संजय दत्त के साथ ही साथ हमें नजर आने वाली है वाणी कपूर। वैसे आपको बता दें कि बच्चन पांडे और शमशेरा की क्लैश को साल 2022 के सबसे बड़े क्लैशेस में से एक माना जा रहा है जिसके चलते ट्रेड एक्सपर्ट्स थोड़ी से परेशान है। वैसे आप जल्दी से जाइए और बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि आप बच्चन पांडे की ट्रेलर का कितना ज्यादा इंतजार कर रहे हैं और ज्यादा ज्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल बॉलीग्राह स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।